रायबरेली के लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। मैंने कहा ना अपने भाषण में, ये लोग मेरे चुनाव में जाकर मेरी मदद काशी में किए, तो निश्चित तौर से मुझे जब ये जानकारी मिली कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बहुत बृहद रूप से मना रहे हैं चेयरमैन साहब, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष सब लोग, मैं निश्चित तौर से इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर आया और इसलिए चुनने का भी मन आया कि ये ऐसी स्थान है जो पूरे देश में एक लहर चली, उसके बावजूद भी रायबरेली में वो लहर काम नहीं आई। यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया और हमारे अभिभावक के तौर पे सोनिया गांधी जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीते। 4.5 साल से नहीं आई वो, आज रायबरेली की हालत बहुत खराब है। जहाँ पर आप हैं ये सामने देख रहे हैं लाइटिंग, इसका बजट नहीं आया है करीब 10 सालों से। इसकी बात ना आपकी मैडम उठा पाई, ना आप लोग उठा पाए, ना यहाँ का कारण निकल के आ रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है, ये बनवाया किसने, पैसा किसने दिया, ये पूरी तरीके से बजट किसने लाया, ये सोनी, हमारी सोनिया जी लेकर आई। ये पूरे शहर का ये कमांड सेंटर, ये यहाँ पे सारी छोटी छोटी दुकानें बनेंगी, हम ले आए। हमारी सरकार 14 में चली गई, नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, एक पैसा नहीं दिया काम कराने का, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में, रायबरेली का क्षेत्र, यहाँ पर हार गए तो इस नाते इन्होंने सारी चीज़ों को रोक दिया, भेदभाव करके रोका गया। अब हमारी सरकार 2024 बनेगी, जो भी बची काम है रायबरेली के, हम सारे कामों को एकदम फर्स्ट क्लास करके देंगे, चमका कर देंगे। आप वादा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अमेठी हाथ से चला गया है, रायबरेली है इकलौती, कितना बड़े चुनौती लग रही है आपको ये? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नहीं गया भाई, क्या प्रदेश अध्यक्ष, मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और बड़ी चुनौती ये है कि अमेठी हाथ से जा चुका है, रायबरेली आप देख ही रहे हैं। रायबरेली अभी वर्तमान में हमारे सांसद है ना सोनिया जी, अमेठी डंके की चोट पर लेने वाले हैं 24 में, और इस बार आप देखिएगा 13 रुपए किलो चीनी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, पूछ लिया अमेठी में किसी को 13 रुपए किलो चीनी मिली है, कोई आपके परिचित खाए हो 13 रुपए किलो चीनी तो बताइए। गांधी परिवार ने कभी वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बरगलाया नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, डंके की चोट पर कहते वही करते हैं। क्या फिर से सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, सोनिया जी यहां से सांसद है, सोनिया गांधी जी लड़ेंगे। और अमेठी से किसका? अमेठी जी राहुल जी वहां से सांसद रहे हैं, वहीं राहुल जी लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे रायबरेली। अब प्रियंका जी, हम सब लोग काशी के लोग चाहते हैं, बनारस के लोग चाहते हैं, काशीवासी चाहते हैं कि हमें बाबा विश्वनाथ के दरबार में वहां से चुनाव लड़े और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको चुनाव जिता कर हम लोग। जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 कम से कम यूपी की जो है, तो कैसे उनको ये देख रहे हैं कि 80 ये क्यों? 80 में क्या देखना, अभी देख लें बगल में कौशल किशोर को देख लें, उनके घर में यहाँ के सांसद हैं मोहनलालगंज से, मंत्री हैं, उनके घर में जुआ हो रहा है, शराब पी रहे हैं, और उनके लड़का हत्या में फंस रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है उसको, आम सेक्ट लगाया जा रहा है, उनके पिस्टल से गोली, कार्यकर्ता की भाजपा की गोली मारकर हत्या की जा रही है, ये क्या है? ये अत्याचार है। पहले टेनी को बचाया, टेनी के लड़के को बचाया, अब कौशल किशोर के लड़के को बचाने का प्रयास। भारत और इंडिया को लेकर विवाद हो रहा है, हमारे लिए भारत, हमारे लिए हिंदुस्तान एक है, इंडिया भी हमारे लिए महान है, भारत भी महान है, दोनों हमारे लिए इस देश की मिट्टी महान है। में जिस प्रकार से हुआ है अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उसी में जिस प्रकार से हुआ और बातें आई, तमाम आपके गठबंधन ने सवाल उठाए कि इस तरह का धमकाया गया, ये सब किया गया, तो ये क्या मान के चल रहे हैं? अब देखिए 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीत रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा हुई थी, कि राहुल गांधी क्या रायबरेली और अमेठी नहीं आना, उनको चिता आना चाहिए था कि नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो यूपी की पदयात्रा बाकी है, अभी तो दूसरी यात्रा बाकी है ना, आगे देखते रहिए, सारी चीजें सामने आ रही है। स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, कैसे देख रही है कांग्रेस? आप ये देखिए ना, कि मैंने कहा ना कि एक मंत्री जी को देखिए किस तरीके से भगवान शिव के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बनारस में बाबा विश्वनाथ के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं, ये क्या है? ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। कार्यक्रम में भीड़ कम लग रही है, कुर्सी वर्सी खाली है सर, क्या ये तो अभी 10 बजे का कार्यक्रम है ना, ये आगे क्या? ये मैं आ गया, मैंने उद्घाटन किया, मुझे बनारस जाना, मेरे घर में भैया पूजा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।